वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। यहाँ पे है मेरे पास 22/12 920 kV BLDC मोटर्स। बेसिकली हम इस ब्लैक कैप वाली मोटर को क्लॉकवाइज और इस सिल्वर कैप वाली मोटर को काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम यही कंसेप्ट को समझेंगे कि हम किस बेसिस पे इसे क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ पे है मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोटर, बिकॉज इस पर ब्लैक कैप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, ये काउंटर क्लॉकवाइज भी मूव हो सकती है, बस हमें मोटर्स के वायर के डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो फिर हम किस बेसिस पे इसे क्लॉकवाइज कह रहे हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर छुपा हुआ है इसके कैप में। मैं इसे क्लॉकवाइज मूव करूँगा तो इसका कैप ओपन हो जाएगा, बस हम इसे इसीलिए क्लॉकवाइज मोटर कह रहे हैं। यानी कि इसका जो कैप है वो क्लॉकवाइज मूव करने पर ओपन होता है, इसीलिए हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोटर कह रहे हैं। इसी के साथ बात करते हैं इस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोटर की। तो इस मोटर का भी सेम ही कंसेप्ट है फ्रेंड्स, ये मोटर काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसे हम क्लॉकवाइज भी मूव करवा सकते हैं, बस हमें इसके भी वायर के डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो इसे हम काउंटर क्लॉकवाइज इसीलिए कह रहे हैं कि इसका जो कैप है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करने पर ओपन होता है। बस इसका यही सिंपल सा आंसर था फ्रेंड्स। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके के कंटेंट्स लाते रहेंगे इंशाल्लाह।